बहुत उन बुन की स्थिति है। नीतीश कुमार जी ने लॉलीपॉप दे दिया तेजस्वी जी को कि हम अगले मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे और बिहार का मुखिया बना करके हम इनको चलाएंगे। राज को पुनरावृत्ति कीजिए, जंगल राज यदि आ जाएगा तो यहाँ हत्याएं बंद हो जाएगी। जंगल राज का परिभाषा किसी भी, जो सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं, जो विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं, उनसे कहिए कि से जंगल राज की परिभाषा परिभाषित कर दीजिए इस बिहार में, तो हम लोग जानेंगे कि से आप बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन नेटवर्क और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी अहम खबरों की शुरुआत करने से पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देखते हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइन में। हम मौजूद हैं अभी रोहतास में, हमारे साथ मौजूद हैं यदुवंशी महासभा के रोहतास जिला अध्यक्ष लाल साहेब सिंह। बात करेंगे कुछ मुद्दे, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को बाबा, किस लायक हमको समझा। जिस तरीके से कटिहार में हत्या हुई, नरसंहार कहा जा रहा है उसको, सरकार की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव भी वहां गए हुए थे। देखिए, जो बिहार की हालात और परिस्थिति है, बहुत उन बुन की स्थिति है। नीतीश कुमार जी ने लॉलीपॉप दे दिया तेजस्वी जी को कि हम अगले मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे और बिहार का मुखिया बना करके हम इनको चलाएंगे, और उस उन बुन के स्थिति में न तेजस्वी जी समझ पा रहे हैं नीतीश कुमार को, और न नीतीश कुमार समझ रहे हैं तेजस्वी जी को। अब वो तेजस्वी जी कितना नीतीश कुमार को समझ रहे हैं, नीतीश कुमार जी कितना तेजस्वी जी को समझ रहे हैं, यह बात हम लोग को समझ से परे की चीज़ है। दो तीन घटनाएं हम लोग के सामने हैं, बीच बीच में कभी कभी बात कुछ राजनीति के लोगों ने या राजनीतिक पार्टी के लोगों ने उठाया, कहा कि बिहार में जंगल राज की संभावना है। बिहार में हमको तो लगता है कि बिहार में यदि जंगल राज की संभावना नहीं है, अगर जंगल राज रहता तो आज जिस ढंग से हत्याएं हुई है कटिहार में, वह पुनरावृत्ति नहीं होती और यह नहीं हो पाता। लेकिन जंगल राज की मूवमेंट क्रिएट करके, जातीय भावना को, उन्माद को फैला करके और एक रंग दे करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया जा रहा है। देखिए, जो हत्याएं मोहन ठाकुर के द्वारा की गई है, ठीक है वो भूमिहार हैं, लेकिन उनके साथ में इर्द गिर्द में रहने वाले भी जादव हैं, और जो इधर से भी लोग बोल रहा कि वो अपराधी था, फलना था, चिलना था, तो ये अब राजनीतिक घोतक है और जातीय घोतक के सवाल पर लोग जातीय रंग देकर के बिहार में राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं कि जो 30 साल से 15 साल से जो राजनीतिक परिभाषा और परिपाटी के जो परिभाषा चल रही है, यह समाप्त नहीं हो, फिर इसी रंग में हम लोग ले आ करके, चाहे सुशील कुमार मोदी जी हो, चाहे विरोधी दल के नेता जो यहाँ बोल रहे हैं कि जंगल राज यहाँ आ गया, जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया, यह जंगल राज, अगर जंगल राज हो जाता तो यह घटनाएं नहीं होती। संतोष रेणु वायदो गए हुए थे कटिहार में, वहां पे जाके मीडिया के सामने ही गाली गलौज कर दी वहां के कटिहार प्रशासन ने, उनके ऊपर FIR भी कर दिया। नहीं, संतोष रेणु जी ने बात बोला है, लेकिन गाली गलौज किसी को नहीं देना चाहिए था, किसी जातीय सूचक को अपने गाली दे रहे। एक तो वो चाह रहा है आदमी कि राजनीति जातीय उन्माद बिहार में पैदा हो, हम लोग नहीं चाहते हैं कि राजनीति उन्माद पैदा हो, और किसी एक व्यक्ति के चलते किसी जात को हम गाली दे देंगे, यह अच्छी बात नहीं है, यह अशुभनीय है। हम चाहते हैं बिहार में कि जंगल राज आए, जंगल राज की पुनरावृत्ति हो, अगर जंगल राज यदि आ जाता है तो यह घटनाएं नहीं घटेगी। यह बात सुई को स्वीकार करना चाहिए कि इसे जंगल राज आना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। आज नेता इस पर क्यों परिपाटी बनाए हुए हैं कि जंगल राज बहुत गलत था। आप जंगल राज को पुनरावृत्ति कीजिए, जंगल राज यदि आ जाएगा तो यहाँ हत्याएं बंद हो जाएगी। जंगल राज का परिभाषा किसी भी, जो सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं, जो विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं, उनसे कहिए कि से जंगल राज की परिभाषा परिभाषित कर दीजिए इस बिहार में, तो हम लोग जानेंगे कि से आप बिहार के शुभचिंतक हैं और बिहार की नए दिशा देना चाहते हैं। आप जंगल राज की परिभाषा तो बताइए कि जंगल राज का परिभाषा क्या है। जिस तरीके से यादवों की हत्या हुई, कहीं ना कहीं वहां के लोगों को उम्मीद था कि RJD पार्टी से कोई बड़े नेता आएंगे वहां पर, लेकिन अभी तक कोई वहां नहीं गया। देखिए, यादव की हत्या हुई, यादव की हत्या नहीं हुई है। अगर आप पूरे बिहार के क्राइम रिपोर्टर को ले लीजिए या क्राइम
ग्राफ को ले लीजिए आप, सोशल मीडिया को एक एक दिन आप चुनिएगा, रिकॉर्ड पर जिस दिन लगा दीजिएगा आप, उस दिन पता चल जाएगा कि बिहार में कितनी हत्याएं हुई हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्याएं नहीं हो रही हैं, हर एक दूसरे को किसी न किसी जाति को। हम लोग यहां हत्या नहीं हुआ, अनिल यादव का हत्या हो गया, बीजेंद्र यादव की हत्या हो गई, चंद्रमा यादव की हत्या हो गई, नासरीगंज में यादव की हत्या हो गई, तो हत्या तो रोज हो रही है। इसलिए जंगल राज यह बिहार मांग रहा है, जंगल राज जब तक नहीं आएगा यह बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार में पप्पू यादव भी गए हुए थे मिलने के लिए पीड़ित परिवार से। हाँ, वो तो जहां घटना घटती है बिहार के हर कोने में जाते हैं, चाहे चंद्रमा की घटना लेकर के दिए, शाहबाद में कोई ऐसा घटना नहीं घटी है, इस जिले में जहां भी घटना घटी है, जहां भी हत्याएं हुई, चाहे किसी भी जाति का हो, वहां उनकी मानवता है, अपन मानव की सेवा करने की मनोवृत्ति है, वो अपना जा करके अपना देते हैं, जो उनके सफलता है, जो इस ठंडे के समय में जो जो भी सफलता है, कम्बल हो, चादर हो, खाने पीने की जो सामग्री हो, हम लोग रहे 10 वर्षों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि जहां कोई भी घटना घटती है वहां जाते हैं, जो उनसे बन सफलता है, सुख दुख में उनके साथ है, उसके साथ अपना शेयर करते हैं। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन छपरा में जहरीली शराब पीने से बहुत से लोगों की मौतें हो गई। शराब कहां लागू है? शराब यहाँ लागू है ही नहीं। नीतीश सरकार का तो दावा है पूरे बिहार में शराब, नीतीश जी लागू कर रहे हैं, जिससे हमारा जो राजनीतिक इशू है, हम जो जीत पर अड़े हुए हैं, शराब सब जगह बिकता है, कौन कहता है कि शराब नहीं बिकता है? शराब सब जगह बिकता है, सब लोग पी रहा है, हर गांव में पी रहा है, हर गली में पी रहा है। इस पे नीतीश कुमार जी फेलियर है, इस पे नीतीश जी का कोई चारा चलने वाला नहीं है। ले आए सादा कागज पर लिख देते हैं, नीतीश जी को औकात है, नीतीश जी का साथ, सरकारें ऐसी बन जाएगी, लेकिन शराबबंदी रोक नहीं सकते हैं। विधानसभा में तो शराब, जहरीली शराब पीने से जो लोगों की मौत हुई उनको मुआवजा देने की मांग उठी थी, तो नीतीश कुमार विधानसभा में इतनी मिला गए थे। नीतीश कुमार जी मानव नाम की कोई चीजें इनको नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट के आधार पर सरकार बिहार में चलाते हैं। ब्यूरोक्रेट नहीं रहता तो यहाँ मानवता नाम की कोई चीज है क्या? 15 वर्षों के शासनकाल में इन्होंने लालू का हवाला देकर के, लालू यादव आ जाएंगे, लालू यादव आ जाएंगे, उसको हवाला देकर के इन्होंने बिहार को सरकार को चलाया है। अब तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाने के नाम पर इन्होंने सत्ता चला रहा है, कुछ दिन रोकने के नाम पर इन्होंने चलाया है, तो मानवता नाम का नीतीश कुमार का कोई चीज नहीं। आज से जितनी भी घटनाएं घटी इस बिहार में 15 वर्षों के शासनकाल में, लालू यादव जी जब थे तो बिहार में जितनी भी घटनाएं घटी हैं सब जगह उनका उपस्थित रहा है, चाहे बाथे का नरसंहार हो, चाहे दलेल चक भगौरा का नरसंहार हो, चाहे जो भी घटना है गया से लेकर के जहानाबाद की घटना है, जो नरसंहार हुआ करती थी, उसमें हमको लगता है कि सब जगह उन्होंने उपस्थिति दिया है। लेकिन बिहार के इतिहास में या हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ये चीफ मिनिस्टर होंगे कि कोई भी घटना पर संवेदना इनकी नहीं है। ये दारू शराब का तो छोड़ दीजिए, इनके इनके इनका इशू है कि से हम दारू शराब को हमने कानून बना दिया है, गांव के गलियों में लेके गया किसने? नीतीश कुमार जी तो ले गए गांव में गली में, भाई पंचायत पंचायत तक आपने दारू बेचवाया, पंचायत में भट्टियों को खोल दिया, स्कूल के बगल में आपने दारू खोल दिया, इसलिए कि समाप्त करनी थी आपके परिभाषा को, ले जाना था गांव के गलियों में। कहीं ना कहीं शराबबंदी सिर्फ कागजी स्तर पे चले, नीतीश कुमार का इशू है, कहीं कागजी पर नहीं, उनको नहीं है, इनका पुलिस नहीं दारू पीता है, कोई ऐसा प्रशासन का कोई, चलिए तो एक एक कोई कोई ऐसा थाना बता दीजिए इस थाना में दारू सिपाही इनका नहीं पी रहा है। शाम को इनका टोटल चकूदार दारू पीता है, शाम में हमको रात में निकलिए चलिए आपको दिखाते हैं कहां कहां दारू पीता है, तो कागजों में कहां है, कागज में इनका जब प्रशासन जब दारू पी रहा है, जब इनका चकूदारे दारू पी रहा है, शाम को चकूदार को फोन लगाइएगा कि चकूदार साहब कहां है, देखिए दारू लेके जा रहा है, दारू गांव में बेचा रहा है, तो कहेगा ठीक है आ रहे हैं, और जाता है और वही दो पाउच लेकर के वही दो पाउच मार लेता है, कहता है साला भागो यहां से, खत्म करो यहां का मामला। कहीं ना कहीं शराबबंदी को फेलियर करने में प्रशासन भी इसमें शामिल है। हां, प्रशासन ही फेलियर, केवल नीतीश कुमार जी का इशू, व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी का इशू है कि हम दारू को समाप्त करेंगे, जबकि नीतीश कुमार जी के बहुत सा चीज यह नहीं है, नहीं हो पाया। बहुत से दूसरे स्टेट में भी लोगों ने लागू किया, देखिए कानून तो गुजरात में भी दारू शराब बंद है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन सीमा है, उसका एक तरीका है, कानून सरकार बनती है तो कानून के तहत सरकार आती है तो उसको सब फॉलो करता है, उसको प्रशासन भी करता है, शासन भी करता है, पब्लिक भी उसके साथ करती है। अगर गुजरात में दारू नहीं बिकता है, कानून लागू है, मोदी जी लागू कर दिए थे वहां, लेकिन लागू किए हैं तो
एक उनका पैटर्न में उनका एक इशू है कि हाँ इतना टाइम से इतना बजे तक लागू होगा, रात में कोई दारू पी के नहीं घूमेगा, दिन में जिसको दारू पीना होगा पिएगा, लोकल हम दारू का फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, गांव तक दारू नहीं ले जाएंगे। लेकिन आप तो दारू बेचवाया, फिर दारू को फिर आपने बंद करा दिया, फिर उसमें बाहर लुटना चाहते हैं, दो दो सरकार को अपने बलि चला दिया, बीजेपी के सरकार को अपने बलि चलाया और लालू यादव के सरकार को बलि चलाया, तेजस्वी के सरकार को भी फिर बलि चलाया, और फिर उसको लागू कराने के लिए फिर तेजस्वी के साथ मजबूत स्थिति में देखे तेजस्वी के साथ आप आ गए। जंगल राज की परिभाषा को अपने लागू कर फिर जंगल राज को पुनर्वृत्ति को पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में जंगल राज हो, और जंगल राज जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ का कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगा। इसको लिख लीजिए कागज पर, हम सदा कागज पर आपको लिख देते हैं। इसलिए जंगल राज की सत्ता है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, युवाओं को कहीं ना कहीं उम्मीद था कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, युवाओं को उम्मीद था कि अब रोजगार मिलेगा, लेकिन लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी युवाओं को निराशा ही हाथ लग रही है। देखिए तेजस्वी जी सरकार में अभी नहीं है, अभी जो उनको लॉलीपॉप मिल गया है कि नीतीश जी बोले हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बनवा देंगे, तो 25 तक इंतजार करें कि हम चीफ मिनिस्टर कब बन जाते हैं। जब 25 तक बन जाएंगे तब उन पे हम लोग विश्वास करेंगे, या जो उन्होंने घोषणा किया है वो जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे उनके घोषणा को हम लोग उनके घोषणा को भी हम लोग फेलियर मानते हैं। उनका घोषणा नीतीश कुमार जी लागू नहीं होने देंगे, उसको फेलियर करेंगे। शराबबंदी पे तेजस्वी यादव जब मीडिया के द्वारा सवाल किया गया तो कहीं ना कहीं बचते नजर आए। जो घटना घटी शराब के सवाल पर तो हम बता ही दिए आपको कि फेल है, शराब नाम की कोई चीज नहीं, झूठ मूठ के इशू बनाए हुए हैं नीतीश कुमार जी, इनको सलेंडर बोल देना चाहिए, आप पब्लिक के साथ समझौता करके और बिहार जो चला रहे हैं उसी हिसाब से चलाएं, इशू बनाने से कोई फायदा नहीं है। बिहार के जनहित के सवाल को देखें, सारा प्रशासन शासन को लगाए हुए हैं, इसके बाद इनका दारू शराब रुक नहीं रहा है, शराबबंदी इनका फेलियर है, इसलिए सारा प्रशासन का डाइवर्ट, सारा क्राइम क्यों बढ़ा है, क्राइम इसीलिए बढ़ा है कि सारा प्रशासन का दिमाग दारू पर रोकने के लिए है, अपराध को रोकने के लिए नहीं है, दारू शराब को रोकने सारा प्रशासन लगा हुआ है और प्रशासन ने पी रहा है, तो क्राइम रुकेगा कहां से, क्राइम की गतिविधियां बढ़ी है, क्राइम हो रहा है। तो जिस तरीके से आप अभी सुन रहे थे लाल साहब सिंह को, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरीके से फेल है और नीतीश कुमार का सिर्फ एक एजेंडा है। अपने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ न्यूज 9 के लिए शिव कुमार ओझा रोहतास। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।